मुंबई में लालबाग के राजा की प्रतिमा विसर्जन किया इवेला, बप्पा की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। घेरा बनाकर बप्पा की शाही सवारी के साथ कदमताल करते दिखे श्रद्धालु, गणपति से भक्तों ने की अगले बरस जल्दी आने की कामना। लालबाग के राजा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जुलूस के साथ चल रहे पुलिस के वाहन। मुंबई की खेतवाड़ी के महाराज के विसर्जन में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। मुंबई में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिमा विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी का दौरा किया, बप्पा को दी आखिरी विदाई। मुंबई की जुहू चौपाटी पर विसर्जन के लिए लगी भीड़, मूर्तियों का हुआ विसर्जन। गणपति की प्रतिमा को क्रेन से किया गया विसर्जन, प्रतिमा का विसर्जन कर लिया आशीर्वाद। विसर्जन को लेकर की गई थी लाइटिंग की व्यवस्था, सुरक्षा के दिखे कड़े बंदोबस्त। विसर्जन के दौरान भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, गणपति बप्पा के लगाए जयकारे। बप्पा के विसर्जन की तस्वीरों को कैद करने की दिखी होड़, भक्तों ने ऐतिहासिक लम्हों को कैमरे में किया कैद। थाने में बप्पा को दी गई विदाई, परिवार के साथ भक्तों ने गणपति की प्रतिमा का किया विसर्जन। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में हुआ गणेश प्रतिमा का विसर्जन, बप्पा के दर्शन के लिए भारी संख्या में जमा हुई भीड़। हैदराबाद में भगवान गणेश का अनोखा विसर्जन, ट्रेन टॉय के डिब्बों पर रखकर किया गया भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन। दिल्ली के गीता कॉलोनी में रंग गुलाल से सराबोर दिखे बप्पा के भक्त, गाजे बाजे के साथ झूमते हुए गणपति को दी गई विदाई। इंदौर में बप्पा की विदाई के साथ निभाई गई 100 साल पुरानी परंपरा, आकर्षक झांकियों ने शहरवासियों को किया मंत्रमुग्ध। पितृपक्ष की हो चुकी है शुरुआत, अगले 17 दिनों तक तर्पण और श्राद्ध की निभाई जाएंगी परंपरा, इस बार 14 अक्टूबर तक चलेगा पितृपक्ष। गया में 15 दिनों तक चलने वाले विश्वविख्यात पितृपक्ष मेला में पहुंचे पिंडदानी, मिथिला पेंटिंग से सुशोभित देवघाट और सीताकुंड। तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र अनूठी मिथिला पेंटिंग्स बनी, 750 मीटर की पेंटिंग के जरिए रामायण और रामकथा की घटनाओं को दर्शाया गया। गया में पितृपक्ष को लेकर मंत्री कुमार सर्वजीत ने टेंट सिटी का किया उद्घाटन, टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा का रखा गया ख्याल। संगम नगरी में पितृपक्ष को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान। जयपुर में दिग्गजों की मीटिंग के बाद रायपुर में जेपी नड्डा और अमित शाह की बड़ी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन, मोदी के नाम और कमल निशान पर चुनाव लड़ने की तैयारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होने की संभावना। पीएम मोदी 4 दिनों में 2 रैली को करने वाले हैं संबोधित, एक रैली 3 सितंबर को बिलासपुर में और दूसरी 3 अक्टूबर को बस्तर में करेंगे। बिलासपुर में एक विशाल रैली को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित, 12 सितंबर को शुरू हुई परिवर्तन यात्रा का भी होगा आधिकारिक समापन। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान की करेंगे घोषणा। निर्माण एजेंसियों के लिए पहले ही किए जा चुके हैं दिशा निर्देश जारी, पिछले साल पराली प्रबंधन पर केंद्रित ही योजना। नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, गृहमंत्री से मुलाकात के बाद बोले अब नीतीश पर चर्चा भी नहीं करते शाह। राहुल गांधी ने दिल्ली में लकड़ी कारीगरों से की मुलाकात, दिल्ली के कीर्ति नगर मार्केट में जाकर जानी उनकी परेशानी। आज से राहुल गांधी का एमपी दौरा, कल भोपाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। इम्फाल घाटी में बड़े पैमाने पर चल रहा विरोध प्रदर्शन, सीएम वीरेंद्र सिंह के घर की ओर मार्च करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग। सुरक्षा बलों ने भीड़ को किया तितर बितर, प्रदर्शनकारियों और बलों के बीच झड़प। बंगाल में राज्यपाल को फोन, टैंपिंग का शक, गवर्नर हाउस की पहली और दूसरी मंजिल की सुरक्षा अब संभालेंगे केंद्र बल। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर कर्नाटक बंद, बेंगलुरु में सुबह 10 बजे टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक विरोध मार्च। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच संवेदनशील स्थानों पर लागू की गई धारा 144, बेंगलुरु और मैसूर में ज्यादा अलर्ट। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर गहलोत के बयान पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की मुक्तापूर्ण टिप्पणी।
नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ जाने की खबरों को जेडीयू ने किया खारिज। पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह बोले, 7 जन्म तक बीजेपी में नहीं जाएंगे नीतीश। अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले नीतीश को देखकर आती है दया, महागठबंधन से आना चाहिए बाहर। नीतीश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, उनके लिए बीजेपी में खिड़कियां भी बंद, वो आरजेडी को डराते हैं। बिहार में नहीं खत्म हो रहा ब्राह्मण बनाम ठाकुर पर सियासी घमासान, लालू प्रसाद यादव ने किया मनोज झा का समर्थन। ठाकुर विवाद को लेकर प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले आरजेडी ध्रुवीकरण की कर रहे हैं कोशिश। आरजेडी मंत्री इसराइल मंसूरी ने किया मनोज झा का समर्थन, कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमें अपने अंदर के ठाकुर को मानना होगा। आरजेडी ने सांसद मनोज झा को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी देने की मांग उठाई, पार्टी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। भोपाल जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, 1 अक्टूबर को कर सकते हैं दौरा, आचार संहिता लागू होने से पहले शाह का दौरा है। 1 अक्टूबर को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात रेडियो प्रदर्शनी, काफी संख्या में रेडियो प्रदर्शनी देखने पहुंच रहे हैं लोग। पर्यटकों से गुलजार बागेश्वर का कौसानी हिल स्टेशन, प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद ले रहे हैं सैलानी। पुणे पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियम के तहत चलाया अभियान, बाइक सवार लोगों को वितरित किए हेलमेट। पुरी के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने की कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि दी, समंदर किनारे रेत में बनाई कृषि वैज्ञानिक की आकृति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के फुलवारी शरीफ का किया दौरा, दरगाह में चढ़ाई चादर।